जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 38 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 38 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 37 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे, दोस्तों हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछा गया रहता है। कोई कोई तो क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसा भी कवर कराते हैं दोस्तों जो कि रेलवे के द्वारा एक ही क्वेश्चन को 8-8 बार रिपीट किया गया रहता है। तो साथियों सबसे पहला नंबर तो टॉपिक हो गया हम लोग के अभी के इस सेट में प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो कि बार बार रेलवे रिपीट करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन रहता है हम लोग का टीसीएस पर आधारित क्वेश्चन। देखिए टीसीएस ही आप लोग के साल 2024 की रेलवे की एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन आप लोग के लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी पैटर्न हम आप लोग को कंप्लीट कराते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर पॉइंट रहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। दोस्तों देखिए एनसीईआरटी से आप लोग का लगभग जो है 30% जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग के हर एक रेलवे के एग्जाम में पूछता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एलपी, चाहे टेक्नीशियन, कोई भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा रेलवे का, लगभग 30% आप लोग को क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से देखने को मिलता है। और चौथा नंबर टॉपिक रहता है हम लोग का अभी के सेट में कोटा वाला क्वेश्चन, यानी कि जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम लिया जाता है पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो इंटरनल एग्जाम का क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में पूछती है दोस्तों। तो ये चारों पैटर्न पर आप लोग का आगामी एग्जाम होने वाला है साल 2024 में रेलवे के लिए, और हम ये चारों पैटर्न आप लोग के लिए कवर कराते हैं दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसा कैसा क्वेश्चन आप लोग को कवर कराएंगे अभी इस सेट में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेट नंबर 38 को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग सेट नंबर 37 तक क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया है, और साइंस का भी आप लोग का लिंक प्रोवाइड कराए हैं जिसका कि हम लोगों ने सेट नंबर 85 तक कंप्लीट कर लिया है साइंस का क्लास, दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है यह कौन करता है। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, जब लोकसभा रद्द की जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। देखिए जब लोकसभा जो है रद्द कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा, तो देखिए सही जवाब, लोकसभा को रद्द किए जाने के साथ नहीं, ये नहीं होगा, लोकसभा के रद्द किए जाने के ठीक पहले नहीं, नई लोकसभा की प्रथम बैठक के बाद नहीं, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, गलत जवाब दिया गया है, तीनों में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। दोस्तों भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, तो देखिए ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा तो नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी नहीं, राज्यसभा, ये तीनों नहीं होगा, सही जवाब होगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। ठीक है, भारतीय संसद में लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो मंत्रिमंडल की बैठक की जो अध्यक्षता है दोस्तों वो प्रधानमंत्री करते हैं, कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर क्वेश्चन, मंत्रियों की काउंसिलिंग ग्रुप तौर पर डैश को जवाबदेह है, किसको जवाबदेह है दोस्तों, तो सही जवाब होगा मंत्रियों की काउंसिल ग्रुप जो है यह ग्रुप तौर पर लोकसभा को जवाबदेह है, किसको, लोकसभा को जवाबदेह है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोकसभा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन, ऊपर क्यों भाग गया, चल नीचे आ, निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है। देखिए भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण पूछ रहा है कि कौन सा है, तो आइए देखा जाए कौन सा होगा। देखिए हाँ, संविधान की व्याख्या करने वाला संघ या सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर,
ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के पॉइंट से वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है ये दोस्तों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में जरूर बनाइएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकी संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो संविधान की जो व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट है दोनों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और बतला दे, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी देखेंगे, मगर दोस्तों अगर आप लोग रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम भैया आप लोग कहीं किराना दुकान पर काम कर रहे हैं या फिर कहीं आप लोग गाड़ी के दुकान पर काम कर रहे हैं, कहीं बाइक मोटर सर्विसिंग कर रहे हैं, फिर भी आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि कंटिन्यू हमारा जो प्रिपरेशन हो वो चलते रहे, तो दोस्तों आप लोगों के लिए, ऐसे भाइयों के लिए स्पेशली मैंने एक नोट्स बनाया है, जो कि बाहर कार्य करके अपना घर भी चला रहे हैं और सोचते हैं कि हमारा लाइफ में गवर्नमेंट जॉब भी हो सके, तो उन लोगों के लिए मैंने स्पेशली एक नोट्स बनाया है, जिस नोट्स में दोस्तों आप लोग के लिए 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बतला दे दोस्तों इस नोट्स में कैसे कैसे पैटर्न का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इस नोट्स में आप लोग को दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, TCS का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप लोग को, NCERT का क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, और चौथा नंबर टॉपिक जो रेलवे के द्वारा इंटरनल एग्जाम होता है कोटा वाला क्वेश्चन वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि चारों पैटर्न हम आप लोग को क्वेश्चन कवर करा करके एक नोट्स बनाए हैं दोस्तों, जिसमें 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के लिए हम प्रोवाइड कराए हैं। इसमें अगर हम लोग बात कर ले तो साइंस से आप लोगों के लिए 4,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने रखे हैं, GK से दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 8,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन रखे हैं, स्टैटिक GK से मैंने आप लोगों के लिए 2,000 क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग का भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग साल 2024 में NTPC का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों को कंप्यूटर का भी नोट्स इसमें साथ में दे दिया जाएगा, और कंप्यूटर का भी जो नोट्स है उसके में भी आप लोग को क्वेश्चन 4,000 प्लस देखने को मिलेंगे। अब आप लोग बोलिएगा भैया NTPC में कंप्यूटर का क्या कर, तो अभी जो आप लोग का रिसेंटली में एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन डाला हुआ था दोस्तों, तो ध्यान में रखना है कि NTPC में कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे है कि राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुए थे, तो ये सारे आप लोग को ऐसे ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे अगर आप लोग इधर देखिएगा तो किसने कहा था कि डोडो की भांति समाजवाद दिव्यंगतों का चुका है, सॉरी दिव्यंगत हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। ऐसे ऐसे जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग ये नोट्स ले लेते हैं तो आप लोगों का ऐसे ही लगभग 70% जो प्रिपरेशन है, 70-80% प्रिपरेशन वो हमारे नोट से आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जो मैथ का इसमें हम आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कराए हैं ना, मैथ का हम आप लोग के लिए सॉल्यूशन के साथ नोट्स दे रहे हैं, यानी कि सारा सॉल्यूशन भी आप लोग का मैथ को मिलेगा। तो आप लोग नोट्स कैसे ले सकते हैं, अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो आप लोग जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, नंबर नोट कर लीजिए 7870141238, ठीक है। आप लोग इस नंबर को जो है नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना है, आप लोग को व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, और इसमें आप लोग को हम कितना क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, और कितने में, तो मात्र और मात्र 170 रुपीज में आप लोग को ये पूरा रेलवे का सभी सब्जेक्ट का नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप लोग NTPC के कैंडिडेट्स हैं तो मैसेज में जरूर कर दीजिएगा भैया हम NTPC के कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोग को जो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का C4 कंप्यूटर, इसका आप लोग को जो PDF है नोट्स है वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तब आप लोग को साथ में कंप्यूटर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो अगर आप लोग नहीं लिए हैं तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, इन चारों में से कौन सा अधिकार ऐसा है जो कि केवल और केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो देखिए नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन जो है यह सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 वर्षों का होता है। कितने साल का, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल
छह वर्षों का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय पर अवकाश प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अवकाश प्राप्त करते हैं दोस्तों। राज्यसभा के 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने समय के बाद अवकाश प्राप्त करते हैं, तो 2 वर्षों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि, तो देखिए दोस्तों भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं होते थे। भैया ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं, उनका क्या नाम है उन प्रधानमंत्री का जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं होते थे दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान रखना होगा उनका नाम है भैया क्या, तो चरण सिंह। क्या नाम है उनका, चरण सिंह। अच्छा इनका अगर कार्यकाल पूछते तो आप लोग को ध्यान रखना होगा 28 जुलाई 1979 से इनका कार्यकाल कब तक चला था, तो ज्यादा दिन नहीं चला था दोस्तों, 14 जनवरी कब तक चला था, तो बस एक साल 1980 तक। ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा, चरण सिंह का कार्यकाल क्या था, तो चरण सिंह का कार्यकाल यही था। ठीक है 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक चरण सिंह का कार्यकाल था, और चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे भारत के जो कि कभी भी संसद में उपस्थित नहीं होते थे। ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका ईयर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा एक डैश है, तो राज्यसभा एक क्या है, तो राज्यसभा जो है दोस्तों वह एक अस्थाई निकाय है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, राज्यसभा के सदस्य का क्या होगा दोस्तों, तो राज्यसभा के सदस्यों का जो है चुनाव लोकसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा नहीं, गलत, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है यह राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो सही जवाब हो जाएगा प्रथम फिल्म अभिनेत्री पूछ रहा है राज्यसभा के लिए, तो दोस्तों नरगिस दत्त थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त थी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, तो धन विधेयक जो है वो 14 दिनों के अंदर लौटा देने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, तो 14 दिनों के भीतर लौटा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, तो संसद में प्रस्तुत बिल जो है यह एक अधिनियम बन जाता है, देखिए दोनों सदनों के द्वारा पास हो जाने के बाद नहीं, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद, कब, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद संसद में प्रस्तुत बिल जो है एक अधिनियम बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक के सदन के द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, किस विधेयक को दोस्तों, तो आइए देख लीजिए सही जवाब क्या होगा, देखिए साधारण विधेयक नहीं, धन विधेयक नहीं, वित्तीय विधेयक भी नहीं, तीनों गलत है, संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस विधेयक को, तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के प्रत्येक के सदन के द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही जवाब होगा दोस्तों। ऐसे ये सारा क्वेश्चन तो मैंने आप लोग के लिए नोट्स में डाला है, मगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों, जो भी जो है
जो भी हमारे भाई नोट्स ले ही नहीं पाए हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे साथियों। चलिए, निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो कौन सा वो बिल है दोस्तों? तो सामान्य बिल नहीं, मनी बिल है। कौन सा है? मनी बिल, ऑप्शन नंबर सॉरी मनी बिल होना चाहिए, फाइनेंस बिल, संविधान संशोधन नहीं यार, अभी ना हम आप लोग को बताएं, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, संविधान संशोधन संबंधी बिल, यही वाला क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, यहाँ पर हम लोग से गलत हुआ था, ठीक है, मनी बिल नहीं होगा, संविधान संशोधन संबंधी बिल होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन अभी हम लोग ऊपर देखे, देखिए संविधान संशोधन विधेयक कह रहा था कि संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होने का अनिवार्य है, तो वही वाला होगा संविधान संशोधन संबंधी बिल। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना इधर उधर से घुमा करके पूछ दिया है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों का जवाब एक ही होगा। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा में कौन सा प्रत्येक जो है पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो आइए देखिए सही जवाब क्या होगा, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि इन चारों में से कौन नहीं होगा? तो इसका सही जवाब होगा धन विधेयक। इसका सही जवाब क्या होगा? धन विधेयक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, यदि लोकसभा के द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? तो मतभेद को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी? नहीं, गलत। राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी कर सकता है, ठीक है, जारी रख सकती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यदि लोकसभा के द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा उस विधेयक को जारी रख सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश के द्वारा सुलझाया जाता है। तो इस गतिरोध को जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा जो है सुधारा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश के द्वारा सुलझाया जाता है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा सुलझाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि, तो उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित हो तो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित हो तब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए हालत खराब हो जाता है भाई लोग, आप लोग के लिए अकेले सारा PDF तैयार करना, उसके बाद क्लास लेना, क्लास लेने के बाद इस तरह इसको किस प्रकार से अपलोड करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक क्लास के ऊपर दोस्तों अगर आप लोग को सही मायने में टाइम बतला देना तो मेरा 4 से 4.5 घंटा लग जाता है, 4 से 4.5 घंटा सिर्फ एक क्लास को लेने में हमें लगता है दोस्तों। तो आप लोग से इसीलिए निवेदन करते हैं भाई हमारे, एक बार जरूर आप लोग से भी सपोर्ट कर दीजिएगा, जरूर आप लोग अपने सोशल आईडी पर वीडियो को लिंक को पेस्ट कर दीजिए, जो आप लोग के दोस्त मित्र हैं उनके पास जरूर एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि देखिए वीडियो को इस क्वेश्चन सिलेक्ट करना, इसको तैयार करना, किस प्रकार से अपने चैनल के माध्यम से इसको तैयार करना है, इसमें सारा चीज़ आप लोग को डालना, ठीक है, तो इस सब सारे प्रोसेस में वीडियो अपलोड वगैरह करने में टोटल 4 से 4.5 घंटे सिर्फ एक वीडियो में लगते हैं, सिर्फ एक क्लास में लगते हैं दोस्तों। तो आप लोग से निवेदन करते हैं भाई कि प्लीज़ एक बार आप लोग से भी सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि आगामी समय में आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग का सारा क्लासेस आप लोग के लिए हम उपलब्ध करा पाए। लाइव क्लासेस में थोड़ा सा समय कम लगता है, बट ऐसे समय ज़्यादा लग जाता है। 23 नंबर, निम्नलिखित किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता जो है गैर सदस्य करता है? तो किस निकाय की करता है दोस्तों? सही जवाब होगा हम लोग का, गैर सदस्य कौन करता है? राज्यसभा। राज्यसभा निकाय की अध्यक्षता जो है वह गैर सदस्य करता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। दोस्तों आप लोग से एक बार विनम्र निवेदन है भाई, जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास,
24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है शक्ति भैया? तो अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 जो है यह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 85 करता है राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है। 25 नंबर, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है। तो परिवर्तित करने का जो अधिकार है दोस्तों वो किसको होता है? राष्ट्रपति को नहीं, संसद को होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संसद को होता है। नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों का सीमा जो होता है, सीमाओं को निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो संसद को प्राप्त होता है। 26 नंबर क्वेश्चन, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है। तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। देखिए, सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में किया जाता है, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा हम लोग का दोस्तों। ठीक है, इसका सही जवाब होगा सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीयकरण रूप में जो है किया जाता है, तो विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच के संबंध के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति तो नहीं होगा, लोकसभा होगा दोस्तों। लोकसभा सही जवाब होगा। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो सही जवाब होगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी कौन सी होती है दोस्तों? तो आइए देख लिया जाए, राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका भी नहीं, जनता भी नहीं, विधानमंडल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विधानमंडल दोस्तों। भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित के तो विधानमंडल के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। विधानमंडल के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो दोस्तों संसद के पास होती है। किसके पास? संसद के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो इसका हम आप लोग को सही जवाब बतलाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। इस नंबर पर क्या करना है दोस्तों आप लोग को? इस नंबर पर आप लोग को सिंपली व्हाट्सअप कर देना है, और व्हाट्सअप करने के बाद आप लोग को व्हाट्सअप में ये बोलना है कि भैया हमें रेलवे के लिए जो 20,000 प्लस रामबाण पीडीएफ बनाए गए हैं वो पीडीएफ हमें दे दीजिए। तो आप लोग को ये नोट्स जो है दे दिया जाएगा। सिर्फ कितने में दोस्तों? तो 170 रुपीज़ में आप लोग को इसका नोट्स जो है दे दिया जाएगा। और उसके साथ अगर आप लोग एनटीपीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग को बतला देना है कि भैया हम एनटीपीसी के कैंडिडेट हैं, तो आप लोग को जो है कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर से भी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। इसी मूल्य में 70 रुपये में ही आप लोग को कंप्यूटर का भी नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। और कंप्यूटर का आप लोग का लगभग क्वेश्चन है 4,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, 4,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो दोनों को ऐड करके लगभग आप लोग को 24,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसका सही जवाब देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? कोई भी व्यक्ति मंत्री के रूप में 6 माह तक बना रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए, आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों सेट नंबर 38 को। कल इसी प्रकार हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 39 को। अगर आप लोग रोजाना क्लास करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करके और रेलवे के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों मित्रों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।